हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी रिजल्ट को लेकर अभी अभी बहुत बड़ी खबर जारी हुई है, जिसमें आपको ये कंफर्म कर दिया गया है कि आपका रिजल्ट जो है वो निश्चित हो चुका है कि किस दिन आने वाला है। तो आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है, साथ ही साथ आप रिजल्ट को किस प्रकार से चेक कर पाएंगे इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो बने रहना वीडियो में अंत तक। लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हो तो अभी नीचे एक लाल रंग के सब्सक्राइब का बटन है, उस पर क्लिक कर देना, और साइड में एक घंटी बनकर आएगी उस पर भी जरूर क्लिक कर देना, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट एजुकेशनल अपडेट तथा गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जनसत्ता की वेबसाइट पर इस न्यूज़ को पब्लिश किया गया है और डेट आज की ही है, फरवरी 3। अभी इस न्यूज़ को पब्लिश किया गया है, तो चलिए देख लेते हैं पूरी खबर क्या है। फाइनल आंसर की जल्द जानिए कब घोषित होंगे परिणाम। RRB रेलवे ग्रुप C&D रिजल्ट 2018-19 लाइव अपडेट्स। रेलवे भर्ती बोर्ड RRB RRB ग्रुप डी परीक्षाओं के परिणाम 13 फरवरी को जारी कर सकता है। जो उम्मीदवार CBT में उपस्थित हुए थे वो सभी क्षेत्र आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से परिणामों को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंफर्म कर दिया गया है, पहले जैसे कि आप लोग ये जानते होंगे कि 13 फरवरी को रिजल्ट आने वाला था, लेकिन काफ़ी सारे वेबसाइटों पर यह पब्लिश किया गया था कि आपका रिजल्ट जो है वो 31 जनवरी को आ सकता है, लेकिन वो रिजल्ट जारी नहीं हो पाया। तो आपका रिजल्ट ये 13 फरवरी को लगभग कन्फर्म हो चुका है। जो लोग फर्स्ट लेवल पास कर लेंगे उन्हें दूसरे चरण यानी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, मतलब जो PET टेस्ट होता है, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके लिए उपस्थित होना होगा, जिसके लिए डेट्स बाद में जारी कर दी जाएंगी। तो जैसे ही आपका रिजल्ट 13 फरवरी को जारी किया जाता है, उसके बाद आपकी फिजिकल की डेट भी जल्द जारी कर दी जाएगी। रेलवे भर्ती बोर्ड RRB के एक अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए इस बारे में जानकारी दी कि ग्रुप डी के परिणाम 13 फरवरी को जारी किए जाएंगे। उम्मीदवार सभी क्षेत्र आधिकारिक वेबसाइटों पर नज़र बनाए रखें। सभी उम्मीदवारों को अपने परिणाम और स्कोर चेक करने के लिए पंजीकरण नंबर एवं जन्मतिथि की मदद से साइट पर लॉगिन करना होगा। तो आपको रिजल्ट चेक करने के लिए रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा, जिसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपने फॉर्म भरते वक्त आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा वो रजिस्ट्रेशन नंबर, और साथ ही साथ आपको अपना पासवर्ड, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वही आपका पासवर्ड है, इन दोनों चीज़ों को डालकर आप जब लॉगिन करेंगे तो आप अपना रिजल्ट ईजिली चेक कर पाएंगे। और ये मेरी जिम्मेदारी है कि जब भी रिजल्ट आएगा तो मैं उसकी वीडियो सबसे पहले आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि स्टेप बाय स्टेप आप रिजल्ट को चेक कर पाएं और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट एजुकेशनल अपडेट और गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी की न्यूज़ आपको समय समय पर मिलती रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। फिलहाल अभी के लिए दोस्तों इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।